मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ गुवाहाटी का, और एक चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो क्या चीज़ पे बनने वाला है। हाँ जी, ये और एक मंदिर के बारे में है जो कामाख्या मंदिर के पहाड़ी पे स्थित है, लेकिन वो है एक विष्णु मंदिर। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या खास है उस मंदिर पे। बने रहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी मैं और भी वीडियो नए नए जगह पे बना सकूँ और आप सबको दिखा सकूँ। आप सबका सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप जब लाइक करते हैं वीडियो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ, और मैं ऐसे बनाते रहूँगा वीडियो आपके लिए। ये जो मंदिर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक है, उसके सामने स्थित है। तो आगे जो व्यू है तो बहुत सुंदर है ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि आपको दिखाता हूँ। ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग नोटिस कर रहे हैं। नोटिस करने से थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होता है कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था, सुबह में उतना गर्म नहीं था, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत हाई है, खुद देख सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ वो पहाड़ी है, और पहुँचते पहुँचते थक गया। आप लोगों से बात करते करते मैं मंदिर के मेन गेट पे पहुंच गया हूँ। अब देख लीजिए, काफ़ी शांत जगह है। पीछे में ब्रह्मपुत्र का व्यू, आगे में Thank you.
विष्णु का एक मंदिर है। कामाख्या मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जो जगह में आपको उतरना है उसका नाम कालीपुर है, लेकिन इस मंदिर में आपको कामाख्या मंदिर जैसा जो रश है, जो भीड़ है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर के बारे में उतना आदमी को नहीं पता जितना कामाख्या मंदिर के बारे में पता है। लेकिन इस मंदिर का एक स्पेशलिटी है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, वो कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जहाँ पे बोला जाता है कि भगवान विष्णु का जो चक्र है वो नेचुरली वहाँ पे उसका चित्र आ गया था, इसीलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो डेफिनेटली सबको ये मंदिर एक बार देखना चाहिए। और ये ओरिजिनली मंदिर के साथ साथ एक अच्छा स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, व्यू पॉइंट भी है। बहुत सा आदमी यहाँ पे आते हैं, रिलैक्स करते हैं। पीछे में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ये मंदिर है, तो आगे में मंदिर, पीछे में नदी का व्यू अच्छा लगता है। मंदिर कैसा लगा आप बोलिए, लेकिन अगर आप चढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा मंदिर का, भगवान विष्णु का दर्शन भी होगा, मंदिर का व्यू भी मिलेगा। और जो पीछे में ब्रह्मपुत्र का व्यू आप देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मंदिर कैसा लगा, क्या सोच रहे हैं मंदिर के बारे में, आप यहाँ पे आना चाहते हैं कि नहीं।